हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जी के राइट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ और उनके उद्गम स्थल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से है और यह गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुनोत्री ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में गंगा नदी में विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है और सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलकर अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील तिब्बत में है और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से है? तो झेलम नदी का उद्गम है शेषनाग झील से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेषनाग झील कश्मीर राज्य में स्थित है। झेलम नदी शेषनाग झील से चलती है और चिनाब नदी जो पाकिस्तान में स्थित है वहाँ पर जाकर विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से चलकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के निकट गंगा नदी में विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियाँ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और रावी नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाकर विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग दर्रा। व्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। व्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है और पंजाब में अमृतसर के दक्षिण में हड़ताल पट्टान में सतलज नदी में जाकर विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामिक ग्लेशियर से। रामगंगा नदी नामिक ग्लेशियर से निकलती है और कन्नौज के निकट हरदोई जनपद की सवायजपुर तहसील में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल से है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में पटना के निकट गंगा नदी में विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तकोशी की। कोसी नदी का उद्गम स्थल सप्तकोशी की से है, जिसे गोसाई धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाल में स्थित है। कोसी नदी सप्तकोशी की से निकलकर
बिहार में गंगा नदी में जाकर विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिहावा। महानदी सिहावा से निकलती है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। महानदी सिहावा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जानापाव पहाड़ी। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से है जो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मापसांग तुंग, जो नेपाल में स्थित है। घाघरा नदी मापसांग तुंग से निकलती है और उत्तर प्रदेश राज्य में शारदा नदी में जाकर विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी या फिर जिसे तापी नदी भी कहा जाता है, यह कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्ताई। ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है और अरब सागर में जाकर विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाग पहाड़ी। लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ी से है जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। लूनी नदी नाग पहाड़ी से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवागिरी पहाड़ी। पेरियार नदी का उद्गम स्थल शिवागिरी पहाड़ी से है। शिवागिरी पहाड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित है। पेरियार नदी शिवागिरी पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में जाकर विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसमंद झील। साबरमती नदी जैसमंद झील से निकलती है जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। साबरमती नदी जैसमंद झील से निकलती है और अरब सागर की खंबात की खाड़ी में विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी कहाँ से निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्याचल पर्वत। माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर विलय हो जाती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल GK Write को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।